गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आई स्पाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है ऊतक, मतलब टिश्यूज। आखिर ये होते क्या हैं? लास्ट के चैप्टर में हमने कोशिका के बारे में बात करी थी, और आज ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका से ही रिलेट करता है ऊतक, तो आप लोगों को कोशिका की नॉलेज बहुत ही अच्छे से हो चुकी होगी। आज की वीडियो में हम लोग जान लेते हैं डिटेल्स में ऊतक के बारे में। ऊतक के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे जीवित जीव के बारे में, मतलब जीवित जीव क्या होते हैं। जो भी हम अपने आसपास देख पाते हैं, जितने भी जो भी जीवित जीव हम अपने आसपास देख पाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जीवित जीव बोलते हैं। जैसे कि जीवित जो जीव होते हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है? जो भी जीवित जीव होते हैं आपके, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 होता है एक कोशिका, नंबर 2 होता है बहुकोशिका। एक कोशिका जो एक कोशिका से बने होते हैं, और बहुकोशिका वो होते हैं जो बहुत सारी विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका के फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम, और जो बहुकोशिका होते हैं फॉर एग्जांपल सभी प्रकार के पौधे और सभी प्रकार के जीव। ओके, तो यहाँ पर आपके डाउट सॉल्व क्लियर हो चुके होंगे। सॉरी, अब आप तब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, शरम विभाजन। आखिर शरम विभाजन होता क्या है? मतलब अगर आपको समझाया जाए कि एक कोशिका जीव का जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, जिसके कारण जो भी कार्य वो करते हैं ना, वो एक कोशिका से ही संपादित होते हैं। अतः जो शरम विभाजन है उसका अभाव होता है, ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएँ होती हैं, और अतः जो वो शरम विभाजन काफ़ी ईजीली से हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। देन आपका आता है ऊतक। तो आखिर ऊतक होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल्स में। आपको पता है कि बहुकोशिकीय जीव में एक, मतलब किसी विशेष कार्य करने के लिए एक जैसी कोशिकाएं या फिर जो कोशिकाएं का एक समूह एक साथ कार्य करती है। अब कोशिका का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऊतक। ठीक, ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। वे कोशिकाएँ जो आकृति में समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, और समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऊतक ही बोलते हैं ऑब्वियसली। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ऊतक भी जैसे आपका पौधे और जंतु के ऊतक, तो ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि जो भी पौधे और जंतुओं में अनेक भिन्नताएँ होती हैं, जिसके कारण ऊतकों में भी भिन्नताएँ होती हैं। अगर बात करें हम लोग पादप ऊतक की, जो भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपका अगर आपको बताया जाए कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ठीक, और इस तरह की जो वृद्धि है उसके लिए पौधों की जो नई कोशिकाएं होती हैं उसके निर्माण के लिए एक खास प्रकार के ऊतक होते हैं, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से विभिन्न ऊतक हम उसे बोल सकते हैं। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब इसको भी अगर बात करी जाए तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सॉरी, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 3 पार्ट के कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। जैसे कि शीर्ष होता है, एक होता है आपका कि आप इसको पार्श्व भी बोल सकते हैं, एक होता है अंतःवेष्ट्र, आप इसको बोल सकते हैं। अगर इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग जाने तो आप जान पाएंगे कि जो भी शीर्ष होते हैं, जो भी जड़ होती है उसकी जड़ और जो तने होते हैं उसके अग्रभाग में मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, और लंबाई में वृद्धि करती हैं ये। और जो भी आपके कैम्बियन होते हैं, जो मतलब जिसको हम पार्श्व भी बोल रहे हैं, वो तीनों बड़े जो जड़ होती हैं, जड़ों की जो परिधि होती है उसमें इसकी वृद्धि होती है। और जो आपका अंतरिक्ष, जो आपका लास्ट वाला था, उसमें जो पौधे में क्या होता है, पार्श्वंदियों के पास पाए जाते हैं ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। अब आपका आता है स्थायी ऊतक। ठीक है, तो स्थायी ऊतक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक, तो ठीक है, अगर आप बात करें जो भी आपका एक होता है कि जो भी द्वारा ऊतक होता है, ठीक है, ऊतक द्वारा कुछ ऐसी कोशिकाएं विभाजित होने की जो शक्ति होती है ना वो खो देती हैं, और जो विशिष्ट कार्य के लिए जो भी स्थायी ऊतक का वो निर्माण करती हैं, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। एक मिस्टेरिमेटिक एक वो होता है ऊतक होता है जिसके द्वारा कुछ कोशिकाएं विभाजित होने से शक्ति को खो देती हैं, और जो भी विशिष्ट कार्य होता है उसको ऊतक जो स्थायी ऊतक होता है ना तो क्या करती हैं, स्थायी ऊतक का वो निर्माण करती हैं। अब इसी प्रकार अगर बोला जाए, इसी जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे विविधीकरण भी कहते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका सरल स्थायी ऊतक होता है, जटिल स्थायी ऊतक होता है,
तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। आप देखिए यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना, अगर चाहें तो आप इसे अपने नोट्स में भी बना सकते हैं पिक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी का आप जो स्थायी ऊतक के जो भी टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जैसे सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आप लोग इसको घर से काफ़ी अच्छे से पढ़ लें और आपके काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि ऊतक का डिटेल्स में मैंने आपको बताया, कोशिका का भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप तब वीडियो को देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, जिन लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता है तो उसे पता भी चल जाता है। और काफ़ी छोटी छोटी अगर डिटेल्स में हमें पता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइक ऐसा अगर बात करी जाए, कोई भी हम दीवार खड़ी करते हैं तो एक छोटी सी ईंट से ही तो खड़ी करते हैं ना, डायरेक्ट दीवार तो बन नहीं जाती है, तो इसलिए हमारा वेस्ट क्लियर होना चाहिए। और एनसीईआरटी सिर्फ वेस्ट क्लियर करने के लिए ही पढ़ी जाती है, एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, हमारी नॉलेज भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सामने वाले बंदे को पढ़ा भी सकते हैं। आप किसी बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे को, 9th क्लास के बच्चे को एनसीईआरटी की बुक इजीली पढ़ा सकते हैं। आप उसको तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे ना, आप उसको तो कैसे पढ़ाएंगे, आप उसको उसके स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ डिटेल्स में, आप वैसे उसको समझा देना तो आपका भी रिविज़न हो जाएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ऊतक ये होता है, कोशिकाएँ ये होती हैं, स्थायी ऊतक ये होता है, जटिल ऊतक ये होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हो जाएगी इसके बारे में। तो इसीलिए आप जो भी पढ़ रहे हो उसको डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ कि हाँ अब थोड़ा डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको डीपली समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ डीपली, लेकिन बुक में से मैं आपको रीडिंग नहीं लगवा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपके समझ आ जाए हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी अच्छे से वीडियो को देखें। नहीं समझ आता है तो 1 टाइम 2 टाइम आप इसे देख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बुक्स को एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं, देन हम लोग स्टैंडर्ड बुक पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी आप लोग भी कवर करिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।